New Hope TV, your encounter with God. Let's get into the word now. चलिए हम इस वक्त वचन में जाते हैं. Today is the seventh part of the series. आज देखिए श्रृंखला का ये सातवां भाग है. Wow. And you know when I started Galatians. देखिए जब गलातियों की पत्री से शुरुआत किए थे. I didn't even know I would come to the seventh part. और इस बात से का कोई भी अंदाजा नहीं था कि सातवें भाग में पहुंचेंगे. But here we are, glory to God. लेकिन यहाँ पे हम पहुंच गए, परमेश्वर की महिमा हो. I encourage you, church. और कलीसिया देखिए आपको उत्साहित करते हैं. Get on the Karuna Southern channel, the YouTube channel. करुणा संघ के YouTube चैनल पर आइएगा. There's so much of material over there. वहाँ पे बहुत सारी सामग्रियाँ हैं. And I believe that when a person grows in the Word of God. और पूरा यकीन है जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन में पढ़ता है. That's when you know he starts walking in mature. You know that's when the maturity is seen. You know that the Word is what matures a person. फिर वहीं पर हम देखते हैं परिपक्वता जो है उस व्यक्ति में दिखाई पड़ने लगती है क्योंकि वचन ही खुद परिपक्व बनाता है. So get into the word. तो वचन में जाएं. You know, I also request people to share the messages. You know, you can share one message every day with people in your broadcast group or whatever, and that could be your ministry, and God will honor you for that. और देखिए आपसे इसमें ये भी अनुरोध करते हैं कि हर दिन पासवर्ड जी कोई संदेश को आप लोगों से साझा करें. देखिए ये भी शायद आपकी सेवकाई हो सकती है और इसके जरिए परमेश्वर आपको आशीष देगा. All right, let's get into the word. चलिए वचन में जाते हैं. So let's turn our Bibles to the book of Galatians chapter 5 and verse 22. चलिए अपने बाइबल में निकालें गलातियों की पत्री पांचवा अध्याय उसके 22वें वचन में. But the fruit of the spirit is love, joy and peace. पर आत्मा का फल प्रेम आनंद और शांति है. Today we're going to look at the fruit of the spirit that's called peace. आज हम आत्मा के फल जो कि शांति है उस पर देखने जा रहे हैं. Listen very carefully. बड़े ध्यान से सुनिएगा. One of the strongest human desires is for peace. हम देखते हैं सबसे एक जबरदस्त इंसानी लालसा यानी तमन्ना जो है वो है शांति की. I've spoken to many CEOs and owners of companies and many rich people in my travels all over the world. और जैसे पासवान जी दुनिया भर के हिस्सों में जब सफर करने के लिए जाते हैं तो उसमें बहुत सारे जो ऊंचे पद के लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो सीईओ हैं, उनसे इनकी बातचीत हुई है. And one of the things they often tell me is this. और देखे एक खास चीज जो वो अक्सर इन्हें बताते हैं वो ये है. All I need is peace. बस मुझे शांति चाहिए. They have the best cars. उनके पास बेहतरीन कारें हैं. They have the money. उनके पास पैसे हैं. They have the properties. उनके पास जायदाद संपत्ति है. But what they are lacking is often is peace. लेकिन अक्सर किस चीज की कमी उनको खलती है वह है शांति. And that's what's in the world today. और यही हम देखते हैं दुनिया में भी. The world has technology. The world has so much of things in place. और देखिए दुनिया के पास तकनीकी उपकरण हैं, बहुत सारी चीजें हैं उनके पास. Nations are seeking for peace. राष्ट्र हम देखते हैं कई राष्ट्र पर राष्ट्र जो है शांति की तलाश में है. People want peace in their relationships. लोगों को अपने संबंधों में अपने रिश्तों में शांति चाहिए. Peace in their own minds. उनके मनों में शांति उन्हें चाहिए. I remember. याद है. There was a time in my life. इनकी जिंदगी में भी ऐसा दौर था. When I was roaming around here and there. जब यहाँ वहाँ बस भटकते रहते थे. Something had gone wrong in my life. इनकी जिंदगी में कुछ तो बुरा हो गया था. I was on the verge of giving up. और हार मानने की कगार पे आ गए थे. And at that time. और उस समय पर. I got this gift of peace. और ये शांति का जो वरदान है या भेंट कहे पा लिए इन्होंने. Today my dear friends. आज मेरे प्यारे दोस्त. Today I want to talk to you about the fruit called peace. आज शांति नामक जो फल है उस पर चर्चा करने जा रहे हैं. Are you listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त. You see when peace is mentioned in Galatians 5:22. आप देखते हैं गलातियों के 5वें अध्याय 22वें वचन में जब शांति का ये शब्द जब दर्ज किया गया. It's like it's mentioned as a cluster, love, joy, peace. और देखिए यहां इस तरह से वर्ग में बांटा गया है जैसे कि प्रेम आनंद फिर शांति. Without love, joy, peace, the other fruit of the spirit is not possible. और देखिए प्रेम आनंद शांति के बिना दूसरे जो फल हैं वो काम नहीं कर सकेंगे. This is very important. ये शांति बहुत ही महत्वपूर्ण है. If you read the book of Kings. अगर आप राजाओं की पुस्तक में पढ़ेंगे. I want you to listen very carefully. चाहते हैं कि बड़े ध्यान से आप सुनें. There you find a great man called Solomon. वहाँ पर एक महान जन सुलेमान नामक व्यक्ति को पाते हैं. And people talk about Solomon. और लोग सुलेमान के बारे में बातें करते हैं. About his wealth. उसके धन दौलत के बारे में. About his influence. उसके प्रभाव के बारे में. And what the great things that he did, his wisdom. और देखिए जो बड़ी चीज उसने की वो तो थी बुद्धि उसकी. But do you know why his kingdom expanded so much? लेकिन आप जानते हैं कि उसका राज्य जो है इतना ज्यादा क्यों फैलता गया? Why he grew so much? क्यों वो इतना ज्यादा बढ़ता गया? There's a scripture which says. और देखिए वचन जो कहता है. And the Lord gave
Solomon peace on all sides. वचन में ऐसा लिखा है कि प्रभु ने सुलेमान को चारों ओर से शांति और विश्राम दिया. Do you want to grow in ministry? या आप सेवकाई में बढ़ना चाहते हैं? You need peace. आपको शांति की जरूरत है. You need peace. आपको शांति की जरूरत है. Peace in your ministry. आपकी सेवकाई में शांति. Peace in your church. आपकी कलीसिया में शांति. Why our church is not growing? क्यों हमारी कलीसिया बढ़ नहीं रही? Because there's so much of strife, so much of confusion. There's no growth. Where there is no peace, there will not be growth. Are you with me? और देखिए बहुत सारे लड़ाई, झगड़े, वाद विवाद चलते रहते हैं. वहां पर कोई शांति नहीं. और देखिए जहां पर हम वृद्धि नहीं हो वहां पर शांति की कमी है. Are you listening, church? आप सुन रहे हैं? Do you want your business to grow? आप चाहते हैं आपका व्यवसाय बढ़े? Then let there be peace between you, your employees, amongst your processes. Let there be peace. तो होने दीजिए आपके yes, और yes, आपके जो कर्मचारी लोग हैं उनके बीच में जो है बाकी सभी जो सहकर्मी लोग हैं सबके बीच में एक शांति का रिश्ता कायम हो. पीस इज नीडेड फॉर ग्रोथ. शांति की सख्त जरूरत है बढ़ोतरी के लिए. Do you want to enjoy good health? या आप अच्छे स्वास्थ्य का लुत्फ उठाना चाहते हैं? You need to be at peace in your mind. आपके मन, आपके दिमाग में आपको शांति की जरूरत है. All those vitamins, thank God for those vitamins. और सभी विटामिन और इन ये सभी चीजों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद. But when you have peace, जब आपके पास शांति होती है. Oh, I tell you. और कहना चाहते हैं आप? Even your कांदा चटनी, your रोटी भाकरी will taste like biryani. Come on, somebody. Hallelujah. Hey! I'm telling you, this is what peace does. यही तो शांति करता है. You know, when you have peace, जब आपके पास शांति होती है, you can sit at an ordinary roadside chai stall and you can have fun. और आप देखिए सड़क के किनारे जो ठेला होता है, चाय का ठेला जैसे कहें, चाय की टपरी जैसे, आप वहाँ पे बैठ के बड़ा मजा ले सकते हैं, उठा सकते हैं. If you don't have peace, लेकिन अगर आपके पास शांति नहीं, you can dine at a 5-star restaurant and still you don't feel that joy, you don't feel anything happening. You see, peace is so important, church. और देखिए 5-सितारा होटल में बैठकर भी चाहे आप कितना ही भोजन क्यों ना खा रहे हो, लेकिन फिर भी देखिए वो शांति आप में नहीं रहेगी, तो वो आपको कमी खलती रहेगी. Peace. I'm talking to you about the importance of peace. आपसे चर्चा कर रहे हैं शांति की जो महत्वपूर्णता है उसके बारे में. In fact, दरअसल, the Lord called every Christian, every believer in Him to be a peacemaker. और प्रभु ने हर एक विश्वासी, हर एक मसीह को बुलाया है कि प्रभु में होकर हम शांति बनाने वाले, मेल कराने लोग बने. How many of you receiving this? Say, I receive this word today. Come on. कितने लोग इस वचन को ग्रहण कर रहे हैं? अपने हाथ उठाकर कहें, मैं वचन को ग्रहण करता हूँ. Wherever you go, you are called to be a peacemaker. जहाँ कहीं भी आप जाते हैं, आपको बुलाया गया है कि वहाँ पर आप शांति को फैलाएं. Today, आज, I'm talking to you about the fruit called peace. आज आपसे चर्चा कर रहे हैं शांति, ये जो आत्मा का फल है, इसके बारे में. Over the last 2 years now, पिछले 2 सालों से, people have been writing to me. लोग लिख रहे हैं लगातार. And said, Pastor, वे कह रहे हैं, पासवान जी, there's no peace in my mind. मेरे मन में कोई शांति नहीं. There is this fear inside of me. मेरे अंदर ये डर भरा हुआ है. I don't know if things will work out for me. मुझे नहीं लगता है कि चीजें मेरे लिए संभव हो पाएंगी या नहीं. You know, this is the rhetoric. This is the story of many people. और देखिए ये कहानी है. यही हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों का कहना है. Their minds are disturbed. उनका मन, उनका दिमाग परेशान है. And when their minds are disturbed, और जब उनका दिमाग, उनका मन परेशान होता है, they do some things which are not in line with the word of God. तब वे कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो कि परमेश्वर के वचन के अनुसार सही नहीं होता. Young people's minds are disturbed. नौजवान लोगों का दिमाग, उनका मन परेशान है. So to calm their minds, तो उनके दिमाग को शांत करने के लिए, they hit the bottle, they get into alcoholism, they get into drugs, they get into pornography, they get into gay and things like that for hours because all they want is peace of mind. और देखिए क्योंकि उनके दिमाग, उनके मन में शांति नहीं होती है, तो वे नौजवान लोग क्या करते हैं, वो शराब का सेवन करने लग जाते हैं, मादक पदार्थों का सेवन करने लग जाते हैं, गेम जो होता है वो खेलने लग जाते हैं, बहुत सारे ऐसे अश्लील चीजों को देखने लगते हैं, बहुत सारे ऐसे चीजों को करने लगते हैं जो कि सही नहीं है, इस वजह से कि उनको बस शांति मिल जाए. Somebody called me up and was talking to me. He's a pastor. और किसी ने पासवान जी को कॉल करके इनसे बातचीत कर रहे थे, वे एक पासवान हैं. And said, Pastor, उन्होंने कहा, पासवान जी, the divorce rates are climbing. और तलाक का स्तर जो है लगातार बढ़ता जा रहा है. And we read in the newspapers a very famous actor. He divorced his wife after 15 years of marriage. और अखबार में भी आया कि एक बहुत ही लोकप्रिय एक्टर ने, कलाकार ने अपनी पत्नी को 15 साल की शादीशुदा जीवन के देखते हैं उसके बाद तलाक दे दिए. Why? Because peace is absent. क्योंकि शांति की कमी है. Relationships are breaking. रिश्ते टूटते जा रहे हैं. That same people who made vows to stand with each other, they don't want to see each other's faces. Why? Because peace is absent.
वे ही दोनों लोग जिन्होंने एक दूसरे के साथ प्रतिज्ञा और शपथ खाई थी कि हमेशा हर एक हालात में साथ में बने रहेंगे, लेकिन अब एक दूसरे का चेहरा वो देखना पसंद नहीं करते. क्यों? क्योंकि शांति उनके बीच में नहीं है. Go with me to the book of Philippians chapter 4 and let's read from verse 6 onwards. और आइए निकालेंगे सब फिलिप्पी की पत्री उसका चौथा अध्याय छठे वचन से. It says over there. वचन में लिखा है वहां. Be anxious for nothing. किसी भी बात की चिंता मत करो. Now this is not a suggestion, it's a command. देखिए ये कोई सुझाव नहीं है, लेकिन ये आज्ञा है. God's word is not a suggestion. परमेश्वर का वचन कोई सुझाव नहीं. It is a command. ये एक आज्ञा है. Be anxious for nothing. किसी भी बात की चिंता मत करो. Pastor, is it possible not to be anxious? पासवान जी कहे संभव है कि चिंता न करें? There is a place in God. परमेश्वर में ऐसा भी एक स्तर है. How do you overcome this anxiety? How you overcome this fear? कैसे आप इन चिंताओं पर, कैसे आप इस डर के स्तर पर जय पा सकते हैं? That's what the word teaches us. यही तो वचन हमें सिखाता है. Let's look into that word right now. चलिए वचन में देखेंगे. But in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests, let those things which are on your heart, those things which are on your mind, let those requests be made known to God. देखिए आगे वचन में लिखा, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, तुम्हारे प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ वे सारी बातें जो आपके मन में हैं, आपके दिमाग में हैं, वे सारी बातें परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं. Are you facing issues in your family? क्या आप अपने परिवार में कुछ मामलों का सामना कर रहे हैं? Take those things to the Lord. तो उन चीजों को प्रभु के सामने पेश करें. Are you concerned about your future? क्या आप अपने भविष्य के बारे में फिक्रमंद हैं? What is going to happen? क्या होने वाला है? Come on. Take those things to the Lord. Let your requests be made known to God. तो उन बातों को प्रभु के सामने पेश करें. देखिए वचन में लिखा है, तुम्हारे निवेदन परमेश्वर के सामने पेश किए जाएं. And what happens by doing that? और ऐसा करने के बाद क्या होता है? The peace of God, परमेश्वर की शांति, which surpasses all understanding, which is beyond our understanding, it will guard your heart and mind through Christ Jesus. It will act as an empire, the Word of God says. देखिए वचन कहता है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, सारी समझ के बिल्कुल ऊपर है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी. Is this fruit of peace possible today in our lives? क्या ये फल, शांति नाम का फल जो है, आज हमारे जिंदगी में संभव है? It's possible. जी हाँ, one of the ways the fruit of peace will manifest in our lives is when you are a person of prayer. एक तरीका जब ये शांति नाम का फल, आत्मा का ये फल हमारे जिंदगी में प्रकट होने लगता है, उत्पन्न होने लगता है, जब हम प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बनते हैं, जब हम प्रार्थना में होते हैं. There was a great man of God. परमेश्वर के महान जन हुआ करते थे. And he used to run an orphanage. और वे एक अनाथ आश्रम चलाया करते थे. With many children. जिसमें बहुत सारे अनाथ बच्चे थे. And sometimes there would be no milk for the children. और कभी-कभी देखिए बच्चों के लिए पीने के लिए दूध नहीं होता था. One day, एक दिन, as he got up early in the morning, और एक दिन ऐसा हुआ कि वह तड़के सुबह उठ गए. The person who ran the pantry came up to me and said, "Man of God, there is no milk for the children now." और वह व्यक्ति जो उस अनाथ आश्रम का पेंट्री यानी जो भोजन कक्ष जो होता है वो चलाने वाला व्यक्ति दौड़ते हुए आया और कहने लगे कि परमेश्वर के जन जी बच्चों के लिए पीने के लिए दूध नहीं है हमारे पास. There is nothing, not even a drop of milk, and there are babies with us. और दूध का कोई एक बूंद जैसा भी नहीं है और हमारे पास बच्चे भी हैं. Listen to me. सुनिए. This man of God was disturbed, but he got down on his knees. परमेश्वर के जन थोड़ा परेशान हो गए, लेकिन इन्होंने क्या किया? ये घुटने पर आए. And he prayed. और उन्होंने प्रार्थना की. And he prayed. प्रार्थना की. Half an hour. आधा घंटा. 45 minutes. 45 one hour. एक घंटे. One and a half hour. डेढ़ घंटे बीते. 2 hours. दो घंटे. Suddenly. अचानक. He got up with the peace in his heart. अचानक वे अपने हृदय में एक शांति का अनुभव करके उठे. Even and told the guy who took care of the pantry. और उस व्यक्ति से भी उन्होंने कहा जो वो पेंट्री को संभाला करते थे. He says, God told me that the milk is coming. उन्होंने उनको बताया कि परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि दूध आ रहा है. I have this assurance, I have this peace in my heart now. और मेरे अंदर ये शांति आ गई है, मुझे पक्का यकीन हो गया है अब. The pantry fellow laughed at him. तब वो व्यक्ति हंसने लग गया. And said, in half an hour now, we have to serve the milk for the children, and you are saying the milk is coming. From where will the milk come? और अब आधे घंटे में हमें बच्चों के सामने पीने के लिए दूध परोसना है, और आप कह रहे हैं कि दूध आएगा, कहाँ से आएगा दूध? As he finished his words, जैसे उन्होंने अपने वाक्य को पूरा किया, there was a doorbell. और वहाँ दरवाजे पे घंटी बजी. And they ran to the door and they found a man. And he said, I heard there's an orphanage over here. और दरवाजे पे दौड़ते गए और जब दरवाजा खोले तो एक व्यक्ति वहाँ पे खड़ा था और वो कहने लगे कि मैंने सुना है कि यहाँ पे एक अनाथ आश्रम है. And there are many children over here. और यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं. They said, that's right. तो उन्होंने बताया, हाँ सही है. But who are you? लेकिन आप कौन है? He said, I am a driver of a milk van. तो उस व्यक्ति ने बताया कि मैं एक दूध की जो वैन है उसका ड्राइवर हूँ.
I don't know what happened. पता नहीं क्या हुआ. But as I entered this lane right in front of your orphanage. और जैसे मैं इस गली में घुसा बिल्कुल आपके अनाथ आश्रम के बिल्कुल सामने वाली. Something happened to my axle and it broke. और कुछ तो मेरे एक्सल में हुआ और वो टूट गया. And now. और अब. If I repair my thing and deliver the milk will get spoiled. तो अगर मैं कोशिश भी कर लूं मेरा ये रिपेयर करके दूध लोगों तक पहुंचाने का तो मेरा पूरा का पूरा दूध जो है खराब हो जाएगा. Would you be interested in taking all my milk please? तो क्या आपको दिलचस्पी है कि ये मेरा सारा दूध आप ले लो? They did not have milk for one day but they had milk for 7 days. Come on, hallelujah. एक दिन के लिए दूध नहीं था लेकिन अगले 7 दिनों के लिए देखिए दूध का इंतजाम हो गया. That's what happens when you get in prayer. यही होता है जब आप प्रार्थना में आते हैं. The peace of God comes into your heart. परमेश्वर की शांति आपके दिल में आ जाएगी. It not only protects you, it not only guards your heart and mind. You see, it will produce such a move in around you. I tell you, it will impact other people also. और देखिए ये सिर्फ आपके मन और आपके विचारों को ही सुरक्षित नहीं रखेगी, लेकिन हम देखते हैं एक ऐसी प्रकार के क्रांति को उत्पन्न देगी जिसका असर दूसरों पर भी पड़ जाएगा. When Jesus was in the storm, हम देखते हैं जब यीशु तूफान में थे. You see, everybody was going hoo-ha, everybody. आप देखते हैं हर कोई वहाँ पर चिल्लाने चिल्लाने लग गया था. This is what happens normally. यही तो अक्सर होता है. What today you need is a man, a woman of peace. Lift your hand and say, I receive this word. Come आज on. आपको जिस बात की सख्त जरूरत है वो है परमेश्वर का ऐसा जन या ऐसी महिला जो शांति से भरे हुए हैं. Organizations are looking for such a person. और संगठन ऐसे लोगों की तलाश में हैं. Top organizations are looking for that person. उच्च श्रेणी के जो संगठन हैं इस प्रकार के व्यक्ति की तलाश में हैं. Who can keep their mind cool in times of trouble. जो मुसीबत के समय में भी अपने दिमाग को शांत बनाए रख सकते हैं. My friend, you need the fruit of peace. और मेरे दोस्त देखिए आपको आत्मा का यह फल शांति की जरूरत है. You need it in your family. आपको आपके परिवार में इसकी जरूरत है. If you are listening to me, say yes, Lord, I need it. Hallelujah. अगर आप सुन रहे हैं तो कहिए हाँ प्रभु मुझे जरूरत है इसकी. Everything was crashing and they woke up Jesus. और देखिए सब कुछ वहाँ पर तबाह हो रहा था लेकिन उन्होंने यीशु को जगाया. And he said, Jesus. और उन्होंने कहा यीशु. Don't you care, Master? We are perishing. क्या आपको इस बात की परवाह नहीं है स्वामी जी कि हम यहाँ नाश हो रहे हैं? They were literally accusing him. और दरअसल देखा जाए तो यीशु पर वे आरोप ही लगा रहे थे. Now if you and I were there, अगर आप और हम वहाँ होते, even we would have got up and said, My goodness, look at the storm. और हम भी उठ के खड़े होके कहते, अरे बाप रे, देखो ये तूफान को. Why did you guys not see the CNN news before? You know? और क्यों CNN का जो न्यूज है उसमें तुमने पहले देखकर पता नहीं लगाया? But Jesus was a man of prayer. लेकिन आप देखते हैं यीशु प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे. He carried the peace. वे शांति को लिए हुए थे. And when you carry that peace, when you carry the fruit of peace, और जब आप शांति के उस फल को लिए चलते हैं, that peace you can give it away to everything around you. तो आप उस शांति को अपने आसपास के सभी व्यक्तियों को देख सकते हैं. Jesus released that peace. यीशु ने उस शांति को मुक्त कर दिया. And that storm, he just said peace, shalom. That's it. The storm just calmed down. और हम देखते हैं तूफान से यीशु ने बस इतना ही कहा शांत रहे और थम जा शालोम और सब कुछ शांत हो गया. To bring peace in your family, आपके परिवार में शांति लाने के लिए you need to be a man, a woman of peace. तो जरूरी है कि आप ऐसे व्यक्ति बने जो शांति से भरे हों. Today you need this church. आज आपको इसकी जरूरत है कलीसिया. I'm not saying who's right and who's wrong, but can you be that woman of peace? Can you be that man of peace? हम ये नहीं कह रहे हैं कौन सही है कौन गलत है, लेकिन क्या आप वो आदमी वो औरत बनेंगे जो शांति से भरे रहें? Hallelujah. Hey, hallelujah. When things are falling apart, जब चीजें पूरी तरह से टूट रही हैं, तबाह हो रही हैं, the fruit of peace will bring such a powerful harvest. लेकिन ये शांति का फल जो है आपके लिए एक जबरदस्त फसल को ले आएगा. Oh, I don't know who is receiving, but today you need this. Lift your hand and say, I receive this word today. और पता नहीं किसके लिए कह रहे हैं, लेकिन आज आपको इस वचन की जरूरत है. बोलिए मैं ग्रहण करता हूँ इसे.